नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। यहां राहुल गांधी की समझदारी की दाद देनी चाहिए, जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को मजबूत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लेना चाहिए, हरियाणा में कुछ सीटें विधानसभा की उनको लड़ने के लिए छोड़ देनी चाहिए। क्या राहुल गांधी को इस बात का आभास हो गया था कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी? क्या उनको एहसास हो गया था कि जमानत इसलिए दे दी जाएगी ताकि आम आदमी पार्टी से विधानसभा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़वाया जा सके और बीजेपी इस बहाने अपनी हार को या तो सम्मानजनक हार में बदल सके या फिर ये उम्मीद करेगी क्या पता त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बन जाए? राहुल गांधी की बात को भूपेंद्र हुड्डा शायद समझ नहीं पाए, या हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा बेहतर ढंग से जानते हो जमीनी हालात कि आम आदमी पार्टी भले ही 90 सीटों पर लड़ रही हो, भले ही केजरीवाल धुआंधार प्रचार करे, लेकिन कांग्रेस का बहुत ज्यादा बिगाड़ने वाले नहीं है, लेकिन कुछ तो बिगाड़ेंगे। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली नहीं है बल्कि दिलवाई गई है? अब शर्तें क्या लगाई हैं कोर्ट ने कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, फाइलें नहीं निपटाएंगे, गवाहों के साथ बात नहीं करेंगे, गवाहों को धमकाने, दस्तावेज या सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं होगी, जांच में सहयोग किया जाएगा और इसके साथ साथ इस मामले पर कुछ भी प्रेस के सामने बयान नहीं देंगे। लेकिन एक शर्त जो छुपी हुई है वो शर्त है कि 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और धुआंधार भाषण देंगे, धुआंधार प्रचार करेंगे। तो पैसा क्या आप बीजेपी पीछे से लगाएगी? जैसा कि माना जा रहा है कि अभय चौटाला और मायावती के बीच समझौता हुआ, दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर के बीच समझौता हुआ, बहुत सारी जगह निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, तो वो कहीं आयोजित प्रायोजित खेल तो नहीं लग रहा? राजनीति है, चुनाव है, चुनाव में जीतने के लिए सब कुछ जायज होता है और बीजेपी इन चालों को कितनी चतुराई से चलती है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन क्या वाकई में आम आदमी पार्टी को इतने बड़े एसेट के रूप में बीजेपी देख रही है या बीजेपी की ये खाम ख्याली है? आखिर आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अगर पिछले एक दो चुनाव का प्रदर्शन देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा है। 2019 का जो विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी ने इनके साथ दुष्यंत चौटाला की पार्टी नहीं 46 सीटों पर लड़ा था और 46 में से 43 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी, वोट भी बहुत कम मिला था। लोकसभा पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव जरूर दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, 7 सीटों पर दुष्यंत चौटाला, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर कुल मिलाकर 45,000 वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में भी 1.5% वोट मिला था। 2024 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक सीट छोड़ी कुरुक्षेत्र की, तो उनका वोट परसेंटेज 3.84% के आसपास हो गया था, लेकिन उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा वोट शामिल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कोई गुल खिला पाएगी, सवाल उठता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में दो बड़ी पार्टियां जरूर हैं, दो बड़ी पार्टियों के बीच में डायरेक्ट मुकाबला भी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां छोटी पार्टियों की, रीजनल पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। अब देखिए, जैसे 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी को 36% वोट मिला, कांग्रेस को 28% वोट मिला, जजपा को 15% वोट मिला, INLD को 2.5%, निर्दलियों के खाते में 10% और BSP के खाते में 4% गया था। यानी जितना वोट कांग्रेस को मिला था उससे ज्यादा वोट अन्य पार्टियों को मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट 36 से घटकर 33 होता है, लेकिन कांग्रेस का वोट तो 28% से घटकर 20-22% पर आ जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए एक सीट छोड़नी पड़ती है। INLD 24% सीट वोट लेकर जाती है, सीट एक नहीं मिलती, लेकिन 24% वोट बहुत होता है। तो क्या बीजेपी सारा गणित इसीलिए लगाकर बैठी है कि केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे, हरियाणा के चुनाव में जाएंगे, वहां मोदी को निशाने पर लेंगे, अमित शाह को निशाने पर लेंगे कि देखिए मुझे इतने 150 से ज्यादा दिन तक जेल में बंद रखा गया,
मेरी मेरी हत्या की साजिश की गई, मेरी शुगर लेवल बढ़ जाए इस बात की साजिश की गई, मुझे मुख्यमंत्री हूँ एक फाइल साइन करने के लिए नहीं मिल रही है, बीजेपी हमें पचा नहीं पा रही है, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहती है, तो सहानुभूति का वोट बीजेपी क्या चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को मिल जाए? बीजेपी बिल्कुल चाहती है कि एंटी बीजेपी वोट बट जाए। देखिए, बीजेपी को पिछली बार जो वोट मिला था, अगर हम लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की बात करें, 36%, तो बीजेपी के लिए जरूरी है कि इस 36% को बढ़ाकर 42-43% किया जाए किसी भी कीमत पर, और चुनावी सर्वे 38% से ज्यादा वोट दे नहीं रहे लोक पोल की बात करें। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि पिछली बार जो उसको विधानसभा चुनाव में 28% वोट मिला था, उसको बढ़ाकर करीब करीब 45% लाया जाए। अभी पोल खोल जो लोक पोल है वो 41-44% के आसपास वोट मिलता कांग्रेस को बता रहा है। तो यहां छोटी पार्टियों की भूमिका बड़ी हो जाती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों की भूमिका बड़ी नहीं रहेगी, लोकल पत्रकारों का कहना है, वो तर्क भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला को 15% वोट और 10 सीटें सिर्फ इसलिए मिल गई थी क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था कि कांग्रेस सीटें निकाल सकती है, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम था और लोग किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना चाहते थे। इसीलिए जो लोग बीजेपी को हराना चाहते थे उन्होंने बहुत सारी जगह कांग्रेस के मुकाबले दुष्यंत चौटाला को, खासतौर से ग्रामीण या जाट बहुल इलाकों में वोट दे दिया, ये सोचकर कि दुष्यंत चौटाला सीट निकालने में ज्यादा सक्षम होंगे। 10 सीटें मिली, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने भारी भूल क्या की, वो बीजेपी के साथ चले गए। तो ऐसे में पूरी राजनीति ध्वस्त हो गई है। लोकसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 0.87% वोट मिला, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है मैं गलत हूं। तो उनकी राजनीति ध्वस्त हो गई है और बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने कुल्हाड़ी पर पांव रख दिया, उनका पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया है। बाकी जो उनका गठबंधन है उसको भी कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। मायावती 4% वोट मिला लेकिन लोकसभा चुनाव में घटकर 2.5-3% रह गया, और उनका जो गठबंधन है वो भी बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होने वाला। इक्का दुक्का तिक्का स्थानों पर थोड़ा जोर लगा सकते हैं तो हो सकता है कुछ वोट उनको मिल जाए, लेकिन बीजेपी की नजर 90 में से उन 32 विधानसभा सीटों पर है। पिछली बार जहां हार जीत का फासला 10,000 के वोटों के आसपास हुआ था, यानी 90 में से 32, यानी हर तीसरी सीट, और इन 32 सीटों में बीजेपी ने शायद 15 या 16 सीटें, यानी करीब करीब आधी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी को लग रहा है कि अगर ये आम आदमी पार्टी ज्यादा जोर लगाती है तो वो दुष्यंत चौटाला, INLD, मायावती, चंद्रशेखर के मुकाबले ज्यादा बड़ी क्रेडिबल पार्टी के रूप में बनकर उभरेगी और उसको ज्यादा वोट मिल सकता है। और ऐसे में बाई डिफॉल्ट आम आदमी पार्टी चुनाव तो नहीं जीत पाएगी, लेकिन बीजेपी के खाते में 3-4-5 एक्स्ट्रा सीटें डलवा देगी। 3-4-5-6 एक्स्ट्रा सीटें बीजेपी के खाते में डलवाने का मतलब कांग्रेस के खाते से 5-7 सीटें माइनस कराना, और हो सकता है इक्का दुक्का स्थानों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाए। तो कुल मिलाकर 12-15 सीटों का खेल कर सकती है आम आदमी पार्टी, ऐसा बीजेपी उम्मीद कर रही है। लेकिन CSDS लोक नीति का सर्वे भी कहता है जाट और दलित और OBC भी कुछ हद तक, इन्होंने बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था, और ऐसा कुछ भी पिछले 3-4 महीने में नहीं बदला है कि ये वोटर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के पास या INLD के पास या केजरीवाल के पास चला जाएगा, एक चीज। दूसरा, ऐसा आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में अपोजिशन में रहते हुए हरियाणा में कुछ भी नहीं किया है जो लोग आम आदमी पार्टी या केजरीवाल पर भरोसा करने लगेंगे। तीसरा, हरियाणा का वोटर अपने वोट को खराब नहीं करना चाहता। अगर उसे लगेगा कि जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है उस पार्टी को लोग वोट देने जाएंगे और एकतरफा वोट देंगे, और इस पैमाने पर आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरती है। खैर, बीजेपी ने एक राजनीतिक
जोखिम उठाया है, राजनीतिक जुआ खेला है। जोखिम क्या उठाया है, अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं तो उनका क्या जाता है, बाहर निकल जाते हैं तो क्या जाता है, एक जोखिम लिया है। अब देखते हैं कि दाव खेला है, कह सकते हैं, अब ये दाव कितना कामयाब रहता है चुनाव की चौसर पर या नहीं रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो लेटेस्ट खबर आ रही है हरियाणा से पत्रकारों के माध्यम से, उनका कहना है कि जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आने वाली, कांग्रेस 50 किसी भी कीमत पर पार करने की हालत में आज की तारीख में भी है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शुक्रिया।